कर पूरी खबर के साथ मैं हूं दीपेश जैन। मध्य प्रदेश में कोरोना को नियंत्रित करने में सरकार को सफलता मिली, ये बात मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बुद्ध पूर्णिमा पर प्रदेशवासियों को संबोधित करते हुए कही। सीएम ने कहा, अब प्रदेश में कोरोना संक्रमण की दर घटकर 3% पर आ गई है। हालांकि उन्होंने कहा, कोरोना को लेकर अभी किसी तरह की लापरवाही नहीं बरती जा सकती क्योंकि कोरोना हमारे बीच मौजूद है। सीएम ने कहा, प्रदेश में कोरोना को नियंत्रित करने में जनता का सहयोग सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। कोरोना कर्फ्यू लगाकर हम इस वायरस को नियंत्रित करने में सफल हुए। शहरों और गांवों के क्राइसिस मैनेजमेंट के साथ साथ सांसदों, विधायकों और पंचायत के जनप्रतिनिधियों ने इसमें अहम भूमिका निभाई है। ये संक्रमण की दर कम क्यों हुई? इसलिए कि हमने कोरोना कर्फ्यू लागू किया। यह संक्रमण को नियंत्रित करने का मध्य प्रदेश का अलग मॉडल है और वो मॉडल है जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा मॉडल। अकेले सरकार ने नहीं किया, हमने संकट से निपटने के लिए क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप्स बनाए। गांव का क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप, शहर के बाढ़ का क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप, ब्लॉक के क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप और जिले के क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप, सभी स्तर के जनप्रतिनिधि, सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता, समाज से भी। वहीं ब्लॉक में आदरणीय विधायकों ने लीड किया उसको, उनके साथ सरकारी अधिकारी और सामाजिक राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता। कोरोना का